हेलो अल्फी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम एक और मंदिर में आए हैं और औरों की अपेक्षा यहाँ भी कबूतरें बहुत ही अधिक हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अब हम अंदर आ चुके हैं और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और जैसा कि देख सकते हैं, भगवान विष्णु बीच में लेटे हुए हैं और चारों ओर से पानी है, जैसा कि क्षीर सागर में जैसे होता है वैसे है। और ये काफ़ी अद्भुत है देखने में। और ये जो है कह सकते हैं इसको बूढ़ा नीलकंठ है, काठमांडू में वहीं पर पड़ता है बूढ़ा नीलकंठ विष्णु मंदिर है। और काफ़ी अद्भुत है, देखने से ही लग रहा है कितना अद्भुत और सुंदर यहाँ का जो दृश्य है, काफ़ी बेहतरीन। और जैसे कि अंदर में यहाँ से जैसे वीडियो अलाउ है, पर वहाँ से सामने में जाकर वहाँ से वीडियो अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और वैसे ही आप सभी को दिखा रहे हैं और देख के बता ही सकते हैं कि कितना बढ़िया है। और जो है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का जो एक मंत्र होता है, ओम नमो विष्णुवाय नमः, और एक ओम नमो नारायणाय नमः होता है, तो उसी का यहाँ पे उच्चारण भी हो रहा है। तो काफ़ी अद्भुत और काफ़ी प्यारा दृश्य है, सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो काश अंदर जाके पूजा भी कर सकते थे, क्योंकि खाना खाने के बाद आए हैं, क्योंकि पता नहीं था हम लोग को कि यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए हम लोग खाना खा के निकले थे। तो वैसे बाहर से ही देख रहे हैं और जब अगली बार होगा, वैसा किस्मत में होगा तो आएंगे, तो अगली बार पूजा भी करेंगे और उस समय भी आप सभी को दिखाएंगे। आप लोगों का ही सपोर्ट है, तो चलिए आप आगे और दिखाते हैं, तब तक के लिए देखिए। और यहाँ जो है सामने में माता लक्ष्मी का मंदिर है और वो भी काफ़ी बढ़िया है बाहर से देखने में। तो जैसा कि देख सकते हैं, सामने में माता लक्ष्मी का मंदिर है और ये जो बगल में पेड़ है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, जो कि वैसे भी बोल सकते हैं कि जो नेपाल में पूर्ण रूप से जो सही मात्रा में जो रुद्राक्ष है वो नेपाल में ही अभी मिलता है। मतलब काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मात्रा में नेपाल में रुद्राक्ष का उत्पत्ति है, उसके कारण यहाँ पे मिलता है। ये सभी जो है ये कक्ष हैं यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया है। और सामने में से देख सकते हैं यहाँ पे, तो सामने से जैसे डायरेक्ट नहीं दिख सके, तो उसके लिए बाहर में भगवान विष्णु के द्वार के बाहर में ही एक छोटा सा द्वार बनाया हुआ है ताकि बंद रहे। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ का मंदिर है। और यहाँ पे हवन होम हवन हो रहा है, आगे चलते हुए दिखाते हैं और भी। काफ़ी बढ़िया है भगवान, काफ़ी बढ़िया है भगवान विष्णु का मंदिर, विष्णु मंदिर जो बूढ़ा नीलकंठ। जैसे कि बता दें, ये जो है विष्णु मंदिर बूढ़ा नीलकंठ नारायण थान काठमांडू में पड़ता है। और देख ही सकते हैं कितना सारा यहाँ भी कबूतर हैं, कबूतरों का मात्रा नेपाल के मंदिरों में बहुत ही अधिक है, पिछले वीडियो में भी दिखा चुके हैं।
तो चलिए अब चलते हैं कबूतरों के साथ साथ देखते हुए। और सामने में एक विवाह भी हो रहा है बाहर में, उसको भी दिखाते हैं थोड़ा सा। काफ़ी खूबसूरत है कबूतरों का जो झुंड है ऊपर में, तो उसके कारण। और इस साइड में विवाह हो रहा है एक, वहाँ पे सामने में देख ही सकते हैं विवाह हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर, और तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ कैसा रहा मंदिर, और कोई घूमने का ऐसा स्थान हो अपने मंदिरों का तो ज़रूर बताएं, ताकि अगला वीडियो वहाँ का शूट कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद आप सभी का।